हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज हम फाइकस प्लांट पे एयर लेयरिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, ये मेरा फाइकस का प्लांट है और मैं इसकी एक टहनी पे एयर लेयरिंग करूँगा। दोस्तों, आप भी किसी भी प्लांट पे एयर लेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा फाइकस का प्लांट है और मैं इसको नर्सरी से लाया था। आज मैं इसकी एयर लेयरिंग करूँगा। दोस्तों, उसके लिए आपको एक नया ब्लेड चाहिए ताकि हमारे प्लांट को कोई नुकसान या हमारी एयर लेयरिंग को कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों, हमको ये नया ब्लेड चाहिए एक, और हमको जिस टहनी पे एयर लेयरिंग करनी है उसको हम एक गोलाई में हल्का सा कट लगाएंगे। कट हमको ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है और ठीक उसके 2 इंची पे फिर हमको एक कट लगाना है। कट लगाते समय सावधानी रखें ताकि ब्लेड से आपका हाथ ना कटे। ब्लेड उसके ये देखिए, अब हम इसको अपने नाखून की सहायता से या ब्लेड की सहायता से इसको हम साफ कर लेंगे। आराम आराम से इसकी हम जो ये दिख रही है आपको छाल, ये हम उसको हटा देंगे। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है इसको, बस आहिस्ते आहिस्ते हमको हटा लेना है। दोस्तों, एयर लेयरिंग हम बोगनविलिया की भी प्लांट पे कर सकते हैं, और अगर हमको आम के प्लांट पे करनी है तो हम उस पर भी ये टेक्निक आजमा सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने इसको कट कर दिया है, अब हम इसकी छाल को हटा देंगे। तो फाइनली दोस्तों, हमारी छाल हट चुकी है। अब देखिए, ये हमने सर्कल में निकाल दिया है। अब हम इस पर अपनी मिट्टी से इसको बंद करेंगे। दोस्तों, ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये मिट्टी इसमें कुछ मात्रा रेत की है। दोस्तों, आप जब भी मिट्टी अगर बनाएं तो ऐसी मिट्टी बनाएं जिसमें रेत की मात्रा हो, जिससे जड़ों को फैलने में आसानी हो। हमको इसको बांध देना है एक पन्नी से। दोस्तों, ये मेरे को दिक्कत कर रही है, ये बगल में लगी टहनी को, इस टहनी को मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों, हमने वो टहनी को हटा दिया, अब हमने इस पे पन्नी एक बांध दी है। दोस्तों, ये हमारे पे टेप है, इस टेप से हम इसको कस के बांध देंगे ताकि ये हिले ना। अगर ये बार बार हिलेगी पन्नी तो हमारी जड़ें नहीं बन पाएंगी, इसलिए हमको कस के इसको बांध देना है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। एयर लेयरिंग का सही समय अगर आप जानना चाहते हैं तो जुलाई में कीजिए, या फिर फरवरी या मार्च में कर सकते हैं। इससे हमारी एयर लेयरिंग में जब हम जो मिट्टी यूज करते हैं उसका मॉइस्चर नहीं उड़ता है। तो हमने एयर लेयरिंग तैयार कर दी है। दोस्तों, ये देखिए, हमारी एयर लेयरिंग तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, इसका रिजल्ट भी आपको इसी वीडियो में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं। तो दोस्तों, हमारी एयर लेयरिंग को आज 20 दिन से भी ऊपर हो गया है। देखिए, इसमें न्यू जड़ें आने लगी हैं। देखिए, ये जो हमने टेप लगाया था वहाँ से ये निकल रही हैं। तो हमारी जो एयर लेयरिंग है वो लगता है सक्सेसफुल हो गई है। तो हम इसको निकालेंगे, पर एक आपको सावधानी रखनी है।
पहले आपको टहनी निकाल लेनी है, आपको एयर लेयरिंग नहीं पहले चेक करनी है। अगर आप पहले पन्नी खोलेंगे तो दोस्तों ये जो रूट है वो डैमेज हो जाएंगी, इसलिए हमको पहले इस जिस टहनी पे हमने एयर लेयरिंग की है उसे कट कर लीजिए। दोस्तों अब हम इसको कट कर लेते हैं ताकि हमारी जड़ें डैमेज ना हो। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ से अपनी टहनी को कट कर लिया है जिस पे हमने एयर लेयरिंग की थी। अब हमारा ये सिंगल प्लांट हो गया है और ये रहा हमारा एयर लेयरिंग का प्लांट। तो इसे खोल के दोस्तों चेक करते हैं कि हमें कैसा रिजल्ट मिला है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, देखिए इसमें जड़ें कितने अच्छे से आई हैं। अब चेक करना है क्या इसके अंदर भी जड़ें आई हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें अंदर भी जड़ें बहुत अच्छे से बन गई हैं। रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा। दोस्तों अगर आप एयर लेयरिंग करें तो हो सके तो ब्लैक पन्नी का यूज करें, क्योंकि ये देखिए जो ये ग्रीन ग्रीन सी आपको मोस दिख रही है ये हमारी वाइट पन्नी के कारण हुआ है। आप अगर एयर लेयरिंग करें तो ब्लैक पन्नी का यूज ज़रूर करें। तो दोस्तों इस कटिंग को हम ये नर्सरी वाले बैग में हम लगाएंगे। दोस्तों ये जो हम प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो वो हमें ऐसे बैग में मिलते हैं, इन बैगों को हमको फेंकना नहीं है, ये हमें दोबारा से अपने काम में ले लेने हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारी जड़ें अभी थोड़ी ऊपर है तो हम इसके अंदर से थोड़ी मिट्टी और कम करेंगे ताकि हमारी जो जड़ें हैं वो अच्छे से इसमें बैठ सके। दोस्तों ये देखिए, हमने इसकी मिट्टी कम कर ली है, अब हमारी जड़ें जो हैं वो अच्छे से अंदर रहेंगी। दोस्तों हमारा एक फ्री का प्लांट तैयार हो गया है, आप भी ऐसे ही प्लांट तैयार कीजिए। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आगे आपको वीडियो हमारे चैनल पे चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल का आइकन जो नज़र आएगा उस पर भी क्लिक कर दें, तभी हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो और दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो उन्हें भी पता चले कि हम एयर लेयरिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा प्लांट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।